अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज इडली और डोसे के साथ की खोपरे की चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए ये ज़रूरत पड़ती है। एक भट्टी खोपरा लियो, इसको मैं ऐसा पीसेस में कट कर ली। एक भट्टी खोपरे को एक लियो खाली, इसको इसमें ऐसा कट कर लो। उसके बाद 3 हरी मिर्ची लो, देखो, और 1 2 3 4 5 लहसुन की कलियां लियो, और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और जीरा बघार के वास्ते, ये क्या बोलते हैं इसको, इससे 1.5 कप, मेजरमेंट कप आता ना, उससे 1.5 कप में फूले चने की दाल डालनी, फूले चने की दाल, देखिए आप, फूले चने की दाल है ये, और बघार के वास्ते सूखी लाल मिर्ची 4, और ये क्या बोलते हैं सो, ये भी बघार के लिए होना है, मूंग की दाल और चने की दाल। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। मैं ग्राइंडर लेके फर्स्ट ही पूरा खोपरा डाल दे रही हूँ उसमें, ये जो कट करे थे ना एक भट्टी खोपरा, वो डाल दे रही हूँ। उसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ, और ये वॉश करे हुए थी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसको ग्राइंड कर देंगे। इसमें मैं नमक नहीं डाली थी, थोड़ा सा हुआ खोपरा था, इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और इसको फिर से पेस्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा इस पर पानी डाल के ग्राइंड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ बीच में पानी, बारीक पेस्ट बनने के वास्ते। खोपरा जो पीसी थी मैं, वो बारीक हो गया। अच्छा, अब इसको एक बॉल में खाली कर देंगे अपन, फिर इसके बाद में से ये फूले चने की दाल पीसेंगे, ये वाला पीसेंगे। अब इसके अंदर फूले चने की दाल डाल दें, ये दाल डाल के इसको पीस देंगे। ये देखो बारीक होगी बहुत, ये पाउडर की जैसी, देखिए आप ऐसा, देखिए बारीक होगा ये पूरा पाउडर। अब इसमें क्या करना है, अपन ये खटे इसमें खोपरे की जो निकाले थे ना पेस्ट, ये खोपरे के पेस्ट में निकाल लेना है इसको। मैं मेजरमेंट कप के साथ 1 कप फुल ले रही हूँ पानी। वन कप फुल, मेजरमेंट कप में 1 कप फुल पानी इसमें मिला रही हूँ, मिला के इसको थोड़ा लिक्विड करेंगे अब। अगर आपके पास, मेरे पास जार छोटा रहने की वजह से मैं खोपरा भी और चटनी, खोपरा और पूरी चीनी अलग अलग करके पीसी, आपके पास जार बड़ा है तो एक कप पानी से भी घट हो गया, तो अपन इसमें और 1 कप पानी डाल रहे हैं। इसको अच्छे से हिला रहे, अपने को 2 कप पानी लगा रहे हो। अब इसको अच्छे से हिला के इसमें अब बघार डाल देंगे। कप डाले इसमें, 1/2 कप डाली मैं, पहले 2 कप डाली, अभी 1/2 कप डाल रही हूँ, डाल के इसको अच्छे से हिला दे रही हूँ।
चूल्हा बड़ा है बल्कि मीडियम। अब मैं इसमें पनीर देखो एक दो तीन तीन चमचे में इसमें तेल डाली, इससे तीन चमचे डाली तेल में। अब तेल गरम हो गया, ये थोड़ी देर अभी तेल गरम हो गया। अब गरम तेल में अपन क्या करना, जीरा डालना 1 टेबल 1 टीस्पून है ये जीरा। इसमें वॉश करके 3 कड़ियाँ पके काड़ियाँ डालो और ये मूंग की दाल और चने की दाल जो डाले थे ना वो डालो, थोड़ी थोड़ी डालना मूंग की दाल और चने की दाल, मतलब 2 टीस्पून हाफ टी स्पून चने की दाल, हाफ टी स्पून मूंग की दाल। उसके बाद अपन ये 3 काड़ियाँ गरिया पके जो लिए थे ना ये वॉश करके इसको ऐसा निकाल के पत्ते ये पत्ते डाल दो। सूखी लाल मिर्ची डालेंगे इसको, इस बीच में से ऐसा तोड़ के डालना सूखी लाल मिर्ची ऐसा, ठीक है। क्या दिख रहा है ना, रेड रेड हो गया पूरा, ये रेड रेड हो गया देखो पूरा बगार। अब इसको चूल्हा बंद कर देंगे आप, और ये गया इसके बगार की स्मेल से तो प्यारी आ रही। देखिए आप उसके बाद थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको ढाल दो, तो स्मेल जो रहती ना बगार की वो चटनी के अंदर चल जाती और आपकी चटनी अच्छी मज़े की टेस्टी होती। इसको मैं आपको देखिए आप कितना अच्छा लग रहा ना, देखिए। अब मैं इसको सर्व करके आपको बताती हूँ, देखिए मैं आपको खा के टेस्ट करके बता रही हूँ। देखिए डोसे के साथ खा रही हूँ मैं, वाव बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। आप घर में इसको ट्राई कर सकते, बहुत अच्छा है मज़े का है। आप घर में एक बार बना के ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी करो। थैंक यू, अल्लाह।